ऐसा पहली बार हुआ. एक्चुअली मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ. इनफैक्ट आई एम हैप्पी. ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मुझे. मैंने भी अभी तक फिल्म नहीं देखी है. सो इट फील्स लाइक इट्स गोइंग टू बी अ फैब फिल्म. और राकेश जी के साथ फिल्म करना मेरे लिए हमेशा बहुत खास रहता है. सो मेरी तीसरी फिल्म है उनके साथ. सो आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा ओके. नहीं मैं ठीक ठाक हूँ. या आई एम गुड. राजकुमार के साथ मैं एक फिल्म पहले कर चुकी हूँ जब वो बिल्कुल नए आए थे और बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करके. ऐश्वर्या के साथ मैंने, ये मेरी तीसरी फिल्म है बट हमने कभी स्क्रीन स्पेस शेयर ही नहीं किया. 1931 की थी, फिर उमराव जान की थी और ये तीसरी फिल्म है. और अनिल के साथ ही मेरी पहली फिल्म है उनके ऑपोजिट. एंड या इट्स बीन लवली. एज एन एक्टर अच्छे. थैंक यू. It's very positive and you know, the cast is looking really nice and fresh. And of course Anilji is superb always. He's been entertaining us since so many years and he's looking so amazing. And the film is about dreams, so har insaan ki dreams hoti hai. To bahut acha lag raha hai trailer. All the films that we do are special because picture I believe man se banti hai. They don't it's not just a project for us. Picture hamesha dil se aur passion se banti hai aur creative passion jo andar hota hai usse banti hai. Rakesh ji ne bahut hi passion ke sath picture banwayi hai. So I'm sure. मूवी के ऊपर बहुत अपडेट है बट मेरे लिप्स अभी सील्ड है. क्या बोलो. पहला बाइट है. प्लीज मेरे साथ प्यार से क्वेश्चंस पूछिएगा. पहली मूवी. हाँ जी. बिग स्टार था. कम समय रह गया रिलीज को. थोड़ा बहुत नर्वस हो गया. नर्वस? मेरे हाथ ऐसे शिवर हो रहे हैं आप देख रहे हैं इस समय. मुझे बहुत खुशी है और नर्वस, बहुत नर्वस भी महसूस हो रहा है. लेकिन फाइनली फिल्म रिलीज हो रही है. मैं उसको, मैंने अब तक देखी नहीं है फिल्म, तो मैं अब पहली बार जाके देखूंगी. तो मुझे ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है इस समय. हाँ हाँ बिल्कुल. अभी तो बोला मुझे नर्वसनेस है बहुत ज़्यादा. और अनिल सर जितने प्यारे इंसान मैंने आज तक देखे नहीं है. वो इतने सपोर्टिव हैं. वो इतना प्यार से मुझसे बात करते हैं. मेरे साथ रीडिंग्स करते थे तो इतना प्यार से करते थे. अभी भी जब हम प्रमोशंस कर रहे हैं इतनी मस्ती करते हैं वो साथ में. और जितना पैशन और स्टैमिना उनके अंदर है अपने काम के लिए, वो शायद ही किसी और एक्टर के में होगा. उतने शिद्दत वाले एक्टर. Yeah, I met you before, na? Yeah, yeah.
Yeah, you did, right? What is that one takeaway that you think audience should have from this movie? Like, a message that you want to know audiences, is to love yourself. Is to love yourself and to believe in what you want to do in your life. Absolutely. This is what exactly we're trying to do. And love your parents, please. They will do right for you, always. Yeah, so love your parents. Also, just a question. Raksha Bandhan is coming up. So any message for the audiences for Raki, Raksha Bandhan, if you can? Bana, bana, bhai banao sarko. Aur sari behne ladko ko bhai banao. Phir pata chalega kya itna maza aega. But happy Raksha Bandhan. Sab ek dusre ka khyal rakho, pyar se rao, no ladai. Thank you so much, guys. Thank you, thank you. काफ़ी ज़्यादा और अब ज़रूरत है, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। पब्लिसिटी के टाइम जब आप लोग ऐसे सवाल पूछते हैं तो मैं 5 फिल्मों से गुजर चुका हूँ। कुछ और किसी बात सेंसिबल क्वेश्चन हो तो पूछ। पहली बार देखिए मैं फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ, ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, ये तो 500 बार देख चुके हैं, मैं 100 बार देख चुका हूँ जी। फिल्म्स आर नॉर्मली फिल्म्स विच आर कंप्लीटली डायरेक्टली ऑन मैसेज ओरिएंटेड, आई वोंट कॉल देम टू सिनेमा। The message should always be hidden in layers. So first of all, you'll find a family entertainer. You'll find something for all age groups. You'll laugh, you'll cry, you'll dance, you'll sing. I think what Atul has done with the script and the direction is absolutely, you'll find a wave of freshness. I won't say absolutely great, that's for the audiences to decide. But yes, the film picks up a very important social issue of body shaming. For the longest time, the women have been subjected to a certain gaze, which is like always judging them. कि मोटी है कि पतली है, गोरी है कि काली है। हम लड़की देखने आते हैं, लड़का देखने कभी नहीं आते। और फिर उससे अजीब अजीब सवाल पूछते हैं, ये गाती है, ये गाना अच्छा गाती है, गाना सीखा है, डांस भी सीखा है, समोसे इसने बनाए, अरे लड़के ने क्यों नहीं बनाए समोसे। तो आप देखेंगे कि ये फिल्म को बहुत ब्यूटीफुली डील किया है, एंड मोर देन दैट हाउ अतुल हैज इंटरप्रेटेड यू हैव टू आस्क। I think the trailer says it all and we are true to the story. The similarity, yeah, of course there is this girl
who wants to be a singer. Yeah, it's, that's where the similarity is. Yeah. What's the question? People were comparing No, I'm glad they are comparing it, because they are comparing it to a good film. I don't think we have deserved the same success or idolances of what Secret Superstar has already proved. We are, now the film will go out in front of the audience and is for them to decide. Every film or every second Hindi film or Indian film has romance in it. That doesn't mean they're all the same. There's different treatment. Matlab Sehrat alag hai toh Bobby alag hai. Toh mera kehne ka matlab hai. Thank you so much, sir. All the best. Thank you. We need a lot of that. Thank you. No. A matter of fact, I think that's the way I think all films should be. The way ke zyada stretch nahi karna chahiye promotion ko. And I think this is the correct way to promote the film. Mujhe aisa lagta hai ke kam se mere khayal se 25 ya 26 din ho gaye trailer ko release hue hue aur 26 27 din ke baad film release ho rahi hai. And garma garam hota na, jaise khana pakana hota na, garma garam khana khao yaar. Nahi to kya hota, dheere dheere kuch zyada karo to thoda stale ho jata hai. So I think this is the right way to promote a film, I feel. This is the best way to promote the film. Baki film bolti hai, promotion to hum apni taraf se awareness spread karte hain, baki to film bolti hai. It's a fresh story, it's a fresh script. Aap kahan se hai sir? Zoom se. Zoom se? Achha, achha, achha. Zoom type question pooch rahe hain aap. Haan ji, aap koi poochega, koi anybody else? Anybody? Haan, yahan center mein aaiye aap log. Kab here, kab this side. Ask from there. Aap please yahan aaiye, please, please. Taki kya hota na, ki then I can speak to the... नहीं नहीं मैं दिखूंगा, आपकी आवाज़ सुनाई देगी मुझे प्लीज़. हाँ जी, नहीं बस राजकुमार राव के साथ मुझे लगता है कि ये जो अधीर का जो कैरेक्टर है, किरदार जो इस फिल्म में, हम दोनों दोस्त हैं फिल्म के अंदर. हमारी उम्र में काफ़ी फ़र्क है, मगर फिर भी हमारी एक दोस्ती है. और मेरे ख्याल से काफ़ी वक्त के बाद, काफ़ी टाइम के बाद एक रोमांस आपको देखने को मिलेगा मेरा और राज का फिल्म के अंदर. एंड आई एम श्योर रोमांस जो है, मतलब वो दोस्ती अपना राज की और ऐश्वर्या की है फिल्म में, और मेरी और राज की है. और हम तीनों के काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन्स है, ऐश्वर्या के साथ, ऐश्वर्या राज और मेरे साथ. तो आप जब देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा. अच्छा, थैंक यू मच, बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं नहीं, वो तो आप फिल्म देखेंगे ना, फिल्म देखेंगे. मेरे ख्याल से आज हमारा पहला कास्ट क्रू का ट्रायल है. एंड पूरी जो कास्ट आई है वो फिल्म देखेंगी. हम सब पहली बार फिल्म देख रहे हैं. और मुझे लगता है कि एक फिल्म है जिसमें एक मैसेज है
यू नो कि आप यू नो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, जहाँ भी आप काम करते हैं, तो आपको किसी लड़की को या किसी लड़के को या किसी को भी उसकी अंदरूनी चीज़ देखनी चाहिए, एक्सटर्नल चीज़ नहीं है कि वो ज़्यादा यू नो थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा है या कम है, ये बहुत दुबला है या पतला है, उसके बाल ठीक नहीं है, उसके बाल नहीं हैं, ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसकी आत्मा देखनी चाहिए, एंड दैट इज़ द मैसेज ऑफ द फिल्म विच इज़ वेरी वेरी गुड। काफ़ी वक्त के बाद ऐसी एक फिल्म आ रही है जो जिसमें एक बहुत बढ़िया म्यूज़िक है और अच्छी कहानी है, अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं और अच्छे लोगों ने फिल्म बनाई है, तो अच्छे लोग जब फिल्म बनाते हैं, अच्छे लोग जुड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है अच्छी फिल्म बनती है। एंड कभी कभी क्या होता है कि आप फिल्में करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, कुछ फिल्में हैं जो बहुत उसका बहुत बॉक्स ऑफिस में सुपर डुपर हिट हुई हैं, मगर लोगों को उस फिल्म याद ही नहीं है, ऐसी भी फिल्में हैं। अच्छा वो फिल्म, हाँ अच्छा वो फिल्म थी, हाँ बहुत ज़बरदस्त उसका बिजनेस हुआ था, मगर कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका बिजनेस इतना ज़्यादा नहीं हुआ, मगर आज भी 25 या 30 साल के बाद भी वो फिल्मों को याद करते हैं। तो मेरी बस यही प्रार्थना है कि वो ये फिल्म ऐसी एक फिल्म बने कि पता नहीं कितनी यू नो कि लोगों को याद रहे 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, चाहे उसका एक गाना हो, कुछ चाहे उसका एक ऐसा सीन हो। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी फिल्म है जो लोगों को हंसाएगी, थोड़ा सा उनका दिल खुश करेगी, एंटरटेन करेगी, और 6-7 साल के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, चाहे उसका गाना हो, चाहे उसका कोई सीन हो, लोगों को याद रहेगी। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। देखिए पहले तो मैं बहुत नर्वस था, मेरे भैया नया डायरेक्टर है अतुल मांजरेकर, राकेश ओम प्रकाश मेरा फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग और अपना क्या नाम है डेली सिक्स एंड रंग दे बसंती बनाई है, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोनम के साथ भी काम किया है और हर्ष के साथ भी काम किया, तो उन्होंने बोला कि ये फिल्म मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, तो मैं समझा वो डायरेक्ट करेंगे फिल्म, तो बोला नहीं मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, नया डायरेक्टर। बोला ये कौन है भाई, मैं नहीं करूँगा, मुझे आप डायरेक्ट कीजिए फिल्म। तो बोला नहीं नहीं मैं ये फिल्म, तो उसने सोचा समझा, तो बोला यार आप एक बार इसको अतुल को मिल तो लीजिए, तो मेरी अतुल से मुलाकात हुई, उन्होंने फिर मुझे जो किस तरह इंडिया यू नो हिंदी के लिए उन्होंने अडेप्ट किया, ये फिल्म जो ओरिजिनल फिल्म है वो एक बेल्जियन फिल्म थी और वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, इतनी अच्छी कहानी है इसकी फिल्म की। तो जब उन्होंने जिस तरह मुझे बताया कि ये हिंदी में इसका अडेप्टेशन ये है, तो जब मेरी अतुल से मुलाकात हुई थी, मैंने बोला यार जैसे ही मैंने सुना, मैंने ये फिल्म तो मुझे करनी चाहिए। जोर से बोल, लाइट लाउड लाउड। नहीं नहीं मैं मेरे ख्याल से मैं आज जा रहा था, तो मैं रास्ते में मैं अपना लॉबी में था किसी होटल के, फिर मैं एक हेल्थ क्लब में गया, फिर बाहर भी जब मैं गाड़ी पार्क कर रहा था, कुछ लोग आए मेरे पास, तो सबको वो शॉप बहुत पसंद आया एंड बहुत इन्जॉय किया लोगों ने 10 कदम, मेरे और सलमान की नोक जोक, हमारी एक दोस्ती है, तो वो यू नो जब एक दोस्ती होती है, एक दूसरे के लिए प्यार होता है, तो कहीं ना कहीं वो काम में झलकता है, तो इसलिए शायद उनको ये शो सबको बहुत पसंद आया। मुझे इतनी खुशी है कि लोगों को ये शो इतना पसंद आया और इतना एंटरटेन किया। मैं तो अपनी फिल्म फने खान को प्रमोशन करने के लिए उसके गया था। वो दूसरा शो था, वो था दिल है हिंदुस्तानी, उसमें बादशाह और अपना सुनिधि चौहान और प्रीतम जजेस हैं, तो वो शो में बड़ा मज़ा आया, बहुत आनंद आया, और मैंने उनसे सबसे बात की, भैया आपकी ज़िंदगी का कौन फैन खान है, तो बादशाह, सुनिधि चौहान, वो अपना शक्ति एंड यू नो जितने भी वहाँ के जो एंकर था, उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, बच्चों को और वो कंटेस्टेंट्स को देखकर कि कितने टैलेंटेड है, स्पेशली वो दो रैपर, एक जो था वो उसकी शक्ल एकदम आर डी बर्मन से मिलती है, पंचम दास से मिलती है, मैंने कहा भी मेरे तेरी शक्ल और टैलेंट एकदम पंचम दास जैसा है, तो मैंने दोनों का नंबर लिया, रिया को बताया, रिया ने मेरे ख्याल से शी इज़ गोइंग टू गेट इन टच विद हिम एंड मैं डेफिनेटली उन दोनों के साथ काम करूँगा, मतलब मैं चाहूँगा कि मैं नहीं मतलब रिया काम करेंगी। तो कभी कभी ये शो से अच्छे अच्छे टैलेंट उभरता है, और इस फिल्म की भी कहानी मेरे ख्याल से इसमें भी उसकी झलक है कि टैलेंट कॉन्टेस्ट है, हमने अब उसका टैलेंट का नाम है ताल एंड टैलेंट, जहाँ मेरी बेटी जाती है पार्टिसिपेट करने के लिए, कभी कभी जजेस बड़े रूड होते हैं, तो उन पर क्या बीतती है। मैं तो चाहूँगा इन सारे शोज़ में एक ऐसी
ऐसे लोग भी होने चाहिए जो काउंसिल करे बच्चों को, कि कभी कभी बच्चे हार जाते हैं, तो जब हार जाते हैं उनको दिल पे लगाना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं कोई आदमी होना चाहिए, कोई औरत होनी चाहिए जो उनको समझाए कि हार जीत तो चली रहती है, दे शुड नॉट टेक दैट टू हार्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Out and enjoys watching the movie as much as the team did making it. Fanne Khan is a really wonderful, feel good, life is beautiful kind of slice of life movie. A big, that's all heart and soul, a very, very big heart. And I truly hope you enjoy the movie. Yeah, thank you. One last question. What is that one message you think that we've asked everyone, we asked Rakesh sir, we asked Anand sir, what do you think that one message should be from this particular movie? What should be the audience's takeaway from Fanne? Believe in yourself, believe in all that you have within, the magic is within you, believe in this blessed life, and life is beautiful. So believe that, experience it, and smile with all that you have to give to life. The comparison between the Secret Superstar and the Fanne Khan is a good thing. Thank you. Thank you, ma'am.